हल्द्वानी में बरेली रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाई टेंशन विद्युत लाइन पर काम कर रहा एक विद्युत कर्मी करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान वह काफी देर तक पोल पर ही तड़पता रहा, वहीं साथी कर्मचारी उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही वह पोल से नीचे गिरा तो उसके साथी आनन फानन में अस्पताल लेकर दौड़े। वहीं पास में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया गया। दरअसल यह हादसा हल्द्वानी में बरेली रोड का है, जहां ठेके पर कार्यरत लाइनमैन हाई टेंशन विद्युत लाइन के पोल पर काम कर रहा था। इस दौरान उसे अचानक करंट ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस हादसे को लेकर विद्युत विभाग के जेई धीरज पंत का कहना है कि हाई टेंशन विद्युत लाइन चपेट में आने वाले 38 वर्षीय राकेश ठेके पर लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। उन्होंने कहा कि विद्युत लाइन का शटडाउन लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लाइन में करंट कहां से आया इसकी जांच की जा रही है।